इटावा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड भी लगाए थे। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। दरअसल किसी भी अपराध के लिए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत तत्काल अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। उन्हें आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा और 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाने के तहत दोषी ठहराया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद कठेरिया मायूस नजर आए और उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला मंजूर है, लेकिन वह आगे अपील भी करेंगे। कठेरिया ने कहा कि राज्य में बसपा सरकार के दौरान मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत मामले दर्ज किए गए थे, उनमें से एक ये भी था। ये मामला 16 नवंबर 2011 का है, जब कठेरिया आगरा से सांसद थे। फैसले में इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी करार दिया गया। अदालत के फैसले के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने 12 साल पहले हुई घटना की जानकारी दी। सांसद ने बताया कि एक महिला उनके पास रोती हुई आई थी। महिला बिजली कंपनी के अधिकारियों से परेशान थी। महिला उनके दफ्तर में बैठकर सुसाइड करने की बात कह रही थी। महिला की पीड़ा सुनने के बाद वो अधिकारियों से बातचीत करने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान हंगामा हो गया। देखिए, 2011 में आगरा में टोरंटो कंपनी मायावती जी की सरकार में आई थी, जिसका मुख्य काम था बिजली, पूरा व्यवस्था सारा उन्होंने अपने अधीन कर ली थी। उस कंपनी का लोग विरोध इसलिए कर रहे थे कि उसकी बिलिंग ज़्यादा आ रही थी, चार्ज ज़्यादा हो रहा था, और उसी क्रम में एक महिला कमलेश नाम की जो कपड़ों पर प्रेस करती थी, बहुत गरीब महिला, उसका 1 लाख से अधिक बिल आ गया। उसको लेकर हम गए थे ऑफिस। कोई किसी तरह घटना नहीं हुई, राजनीतिक प्रभाव में मेरे ऊपर FIR हुई, जिसका 2 दिन पहले निर्णय आया है। मैं निर्णय का स्वागत करता हूं, और आज मैंने माननीय जो जिला जज हैं उनके यहां अपील की है। इस मामले पर रामशंकर कठेरिया ने अदालत के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया था। फिलहाल बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला जज न्यायालय आगरा ने बड़ी राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है, और ये रोक अपील के आदेश तक रहेगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन है रामशंकर कठेरिया और क्यों वे चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल 58 साल के कठेरिया आगरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी हैं। जानकारों की माने तो कम उम्र में ही RSS से जुड़ गए थे। वे आगरा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें इटावा से मैदान में उतारा और वहां से तीसरी बार सांसद बने। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को करीब 65,000 मतों से शिकस्त दी थी। दलित उपजाति धानुक समुदाय से आने वाले रामशंकर कठेरिया को 2014 में बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वह रक्षा पर संसद की स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस केस के अलावा कौन कौन से केसेस में रामशंकर कठेरिया आरोपी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दायर हलफनामे के मुताबिक कठेरिया के खिलाफ 12 आपराधिक मामले पेंडिंग थे, जिनमें से ज्यादातर 2010 और 2013 के बीच दर्ज किए गए थे। 9 मामले में सामान्य आरोप जो कि दंगा था, अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कठेरिया पर इटावा जिले के पथरा में एक पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में भी मामले दर्ज किए गए थे। बाद में उसी साल जुलाई में उन पर आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक टोल प्लाजा कर्मचारी पर हमले से संबंधित मामले दर्ज किए गए थे। उन पर टोल प्लाजा कर्मचारियों की मारपीट करने का आरोप लगा था। मारपीट की घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि कठेरिया ने आरोप लगाया था कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ही उनके सुरक्षा गार्ड पर हमला किया था, जिससे उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।